दोस्तों, कोरोना के कारण काफ़ी लोगों की डेथ हो रही है, काफ़ी लोग मर रहे हैं कोरोना के कारण, कोरोना वायरस के कारण। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया कोरोना के कारण ही आज बच गए बंद होने से। जी हाँ दोस्तों, आज वोडाफोन आइडिया बंद होने से बच गए। किसके कारण? कोरोना वायरस के कारण। तो सबको जानने की वीडियो बनी रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया का AGR वाला मामला आप समझ सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा था, और उसको लेकर यहाँ पर आज जो भी केस था वो सुनवाई होनी थी, मतलब आज हियरिंग थी इनके जो AGR ड्यूज जो है उसको लेकर। तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर कम से कम 55,000 करोड़ रुपये का कुछ समथिंग AGR मतलब इनके पास पेंडिंग है और इनको देना है, और उसी को चलते यहाँ पर मतलब गवर्नमेंट आज सुप्रीम कोर्ट पे इनकी हेयरिंग थी, सुनवाई थी कि इस केस को लेकर आगे क्या होना है, क्या इनकी जो बैंक गारंटी है वो जब्त की जाती है, क्या ये कंपनी जब्त हो बंद होगी, या फिर इनको जो पे AGR है वो कितना पे करना पड़ेगा। तो ये सब को लेकर ही आज मतलब बेसिकली आज इनका हेयरिंग होनी थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन कोरोना वायरस के चलते आपको पता है स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद कर दिया गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आज मैंने लखनऊ में भी खुद देखा कि कोर्ट जो है वहाँ पर कोर्ट के अंदर जो हाई कोर्ट है वहाँ पर उसके अंदर ही मतलब वो पहले डॉक्टर लोग खड़े हुए हैं गेट के अंदर, और वहाँ पर सभी वकीलों को चाहे पुलिस वाले हों वकील हों कोर्ट के अंदर जाने के लिए चेकिंग कर रहे हैं पहले कि किसी को कोरोना तो नहीं है। मतलब बहुत भीड़ लगी हुई थी, वकील लोग भी कोर्ट के अंदर नहीं जा पा रहे थे। तो मतलब जो भी केसेस थे वो काफ़ी पेंडिंग है, कुछ लोगों की सुनवाई हुई कुछ लोगों की नहीं हुई। तो ऐसा ही कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी है कि जो AGR वाला मामला था वो अब टल गया है कोरोना वायरस के चलते। अब सुप्रीम कोर्ट खाली उन्हीं केस के ऊपर आज वर्क किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। बेसिकली आज AGR को लेकर आज जितने भी मतलब ऑपरेटर हैं जिनका AGR का मामला था, 17 मार्च 2020 को उनकी सुनवाई होनी थी मतलब आज, लेकिन सब कुछ टल गया है और आज कोई भी मतलब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी हेयरिंग नहीं की है, कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है। तो अब पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या डेट देता है नेक्स्ट मतलब इस AGR मामले को लेकर, लेकिन फिलहाल आज जो मतलब इनके ऊपर जो भी मतलब आज सामने आना था, रिजल्ट आना था, या आप कह सकते हो सुनवाई जो होनी थी वो आज कोरोना वायरस के चलते नहीं हो पाई है। क्योंकि काफ़ी मतलब अब सुप्रीम कोर्ट भी मतलब आप कह सकते हो हाई कोर्ट में ऐसा है, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मतलब अब जो भी केसेस पेंडिंग है वो पेंडिंग ही रहेंगे कुछ दिनों तक, जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है वही सामने लाए जाएंगे जैसा कि आपको पता ही है। तो पता नहीं अब वोडाफोन आइडिया फिलहाल के लिए तो आज बची गए, आज जो भी उनके सामने मतलब सच्चाई आनी थी उनको सुननी थी वो तो बची गए, और देखते हैं आखिर में फिर क्या करता है हाई कोर्ट और क्या नई डेट देता है AGR के मामले को लेकर, चाहे वो वोडाफोन आइडिया या फिर एयरटेल हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।